बड़ी दादी, बड़ी दादी, चाची ने मुझे समर, अरे समर 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 क्या हुआ? अरे भाभी कुछ नहीं, इसको ये आदिवासी लोग पसंद नहीं आया, इसीलिए बहुत अपसेट हो गया था, इसीलिए मैं उसको गुदगुदी करके हंसा रही हूँ। चलो समर, हम कोई नया लुक सोचते हैं। फिर क्या आप डांटोगे नहीं? अरे बेटा चाची क्यों डांटेगी? स्कूल में इसको टीचर डांटती है ना, इसीलिए। मैं टीचर थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों डांटूंगी? चलो चलो नया लुक सोचेंगे, है ना? चलो 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 समर। अच्छा बताओ कि वॉटरफॉल का रास्ता कहाँ है? पहले माफी मांगो, माफी मांगो फिर बताऊंगी, ओके? आज तो मैं इससे सॉरी बुलवा कर ही रहूंगी। चलो जल्दी सॉरी बोलो। अजय, अजय अगर तुम कोई नाटक कर रहे हो ना तो, अजय 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 कहाँ हो तुम? अजय अजय कहाँ? यहाँ हूँ मैं। सॉरी कहने से पहले मैं वॉटरफॉल ढूंढ लूंगा, जंगली बिल्ली। अजय रुको, वो रास्ता नहीं है। मुझे पता है कहाँ जाना है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम ऐसे अकेले रुको, अजय गॉड। संजना, ये दूध पी के समर बाथरूम में ही बैठा रहेगा, मैं जा रहा हूं। और समर की चाची सीढ़ी चुरा लेगी। वाओ श्रिया, तुमने समर को दूध पिला दिया? हाँ भाभी दे दिया। अंगूरी, जो श्रिया ने समर को दूध पिलाया था वो तुमने गर्म किया था ना? उसकी कोई जरूरत नहीं थी भाभी, उबला हुआ दूध फ्रिज में था। अच्छा जी। इसका मतलब समर ने कच्चा दूध नहीं पिया। हाँ बोलो, काम हो गया? जी अग्रवाल जी, मैं त्रिलोकचंद बोल रहा हूँ। अरे समधी जी, बताइए क्या हालचाल है, कैसे याद किया? जी अजय संजना का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था मैंने। दरअसल मैंने उन्हें फोन किया, दो तीन बार किया, लेकिन दोनों के फोन्स नॉट रीचेबल हैं। क्या आपकी बात हुई किसी से? आप दामाद जी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सही सलामत आ जाएंगे। वो क्या है कि पूजा लंबी खींच गई होगी। हाँ हमारी पूजा जरा लंबी चलती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर देर हो गई तो वहाँ आश्रम है, रुक सकते हैं। अच्छा अच्छा ये बात है जी, मैंने बात कर ली है, दामाद जी की सेवा में कोई कसर नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपकी उनसे बात होती है तो कृपया उन्हें कहिए कि हमें फोन करें। जी जी नमस्ते। त्रिलोकचंद जी, मोह माया का जंजाल प्राण रहने तक ही रहता है। आज रात एक बार आपका लड़का लंबे सफर के लिए निकल जाए तो उसके बाद आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भगवान के पास पहुंच जाए तो भगवान ही संभाल लेंगे। वैसे होनी को कौन टाल सकता है, ना उसने मेरी बेटी के साथ शादी की होती और ना ही उसे लंबे सफर पर जाना पड़ता।